हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शताब्दी स्क्रीन लाइफ। आज मैं आपके साथ बहुत ही एक सुंदर प्लांट के बारे में शेयर करूंगी जिसका नाम है पेन्यू आर्ट। इसको डॉलर प्लांट भी बोलते हैं क्योंकि देखिए, इसको कॉइन प्लांट भी बोलते हैं क्योंकि देखिए इसका जो लीव्स है ना कॉइन के जैसा है। ये एक पेरेनियल प्लांट होते हैं, ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है, ये एक्वेटिक प्लांट भी है। इसको आप पानी में भी लगा सकते हो और सॉइल में भी आप इसको ग्रो कर सकते हो। बट सॉइल में जब आप ग्रो करोगे कुछ चीज़ों का आप ध्यान देना होगा, और जब आप पानी में ग्रो करोगे उस टाइम में भी आपको फर्टिलाइज़र और कुछ चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। तो ये प्लांट चाइना और जापान में बहुत अच्छे से ये चल जाते हैं। तो इसका जो केयर है मैं आप शेयर करूँगी, तो लास्ट तक जुड़े रहिए। ये प्लांट मॉइस्चर लविंग प्लांट होते हैं, इसलिए जब भी आप इसका सॉइल मिक्स बनाओगे आपको कुछ चीज़ का ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो प्लांट है इसका जब सॉइल ड्राई हो जाते हैं ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं। इसलिए जब भी इसका आप सॉइल मिक्स बनाओगे मस्ट इसमें आप कोकोपीट यूज़ करना, कोकोपीट, गार्डन सॉइल और जो गोबर खाद होते हैं गोबर खाद, वो तीनों चीज़ आप अच्छे से मिक्स करके फिर इसको आप प्लेस करना। मस्ट इस जो आप सॉइल मिक्स बनाओगे इसमें आप कोकोपीट यूज़ करना, और जो फंजीसाइड होते हैं थोड़ी सी फंजीसाइड यूज़ करना और थोड़ी सी नीम खली भी यूज़ करना। इससे ये प्लांट में कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं होते हैं। ये प्लांट ग्रो करने के टाइम आपको पानी का भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ये प्लांट ज़्यादातर ड्राई होने पर ये ख़राब हो जाते हैं, इसलिए वाटरिंग का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। मेरे जो ये प्लांट है ये पहले बहुत ही हरा भरा था, मैं नॉर्थ इंडिया में रहती हूँ, जब ये बहुत ही तेज़ धूप आने लगा और गर्मियाँ बढ़ने लगे तब उस टाइम में मैं अभी 2 times इसमें पानी देती हूँ। फर्स्ट मैं इसमें 1 time पानी दिया था, इसके बाद शाम के टाइम मैंने पानी नहीं दिया था। तो ये ड्राई होके फिर देखिए थोड़ी थोड़ी सी इसका जो लीव्स है थोड़ी सी जल गया। तो जब आप सॉइल में ग्रो करोगे आपको पानी का ध्यान मस्ट देना होगा। इसका जो सॉइल है ये मॉइस्ट होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्ट ना होने से, ड्राई होने से ही ये प्लांट ख़राब होते हैं। ये पेन्यूवर्ट ज़्यादातर ही ख़राब होते हैं पानी कम होने से, तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा। और मेरे ये जो प्लांट है मैंने इसको वाटर में ग्रो किया हो, तो वो जब आप वाटर में ग्रो करोगे तब इसको आप वाटर का ध्यान इतना नहीं है क्योंकि ये वाटर में ही है, बट आप इसका जो लीव्स है इसमें आप ऐसे रोज़ इस समर के टाइम थोड़ी सी पानी ऐसे सारे प्लांट में ये पानी ऐसे स्प्रे कर देना। मिस्टिंग ना करने से क्या होती है, इसका जो लीव्स है थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, क्योंकि बहुत गर्मी के टाइम इसका लीव्स सर्वाइव नहीं कर पाते, बट समर के टाइम ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। समर इसका ग्रोइंग पीरियड होते हैं, इसलिए समर के टाइम इसका कटिंग आप लगा दो तो बहुत अच्छे से ये ग्रो कर जाते हैं। ये जो पेन्यूवर्ट प्लांट होते हैं इसको सन लाइट बहुत पसंद होते हैं, लेकिन मई जून जुलाई का टाइम का जो सनलाइट होते हैं तेज़ धूप होते हैं उससे थोड़ी सी बचा के रखना होते हैं, क्योंकि उस टाइम में जो डायरेक्ट सनलाइट होते हैं उससे ये प्लांट का लीव्स जल जाते हैं। तो आप सुबह की 1 घंटे का धूप इसको लगा देना, इसके बाद इसको आप ब्राइट जो लाइट होते हैं जो ब्राइट लाइट लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं ब्राइट लाइट में इसको प्लेस करना। ये प्लांट इंडोर में ज़्यादा नहीं चलते हैं, क्योंकि इंडोर में अच्छे से इसको बाहर कितने हवाएं जो ताज़ी हवाएं वो उसको नहीं मिलते हैं, और जो लाइट होते हैं लाइट भी बहुत अच्छे से नहीं मिलते हैं, तो इससे ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं। और जो प्लांट वाटर में लगाए जाते हैं उस प्लांट पे फंगल इन्फेक्शन दिखाई देते हैं, इसलिए इस प्लांट को आप इंडोर में ज़्यादातर नहीं लगाना। इसको आप अपने जो बालकनी है उसमें आप इसको प्लेस करना, इससे उस जगह में बहुत अच्छे से ये प्लांट बढ़ते हैं, और समर के टाइम डायरेक्ट सनलाइट से थोड़ी सी बचा के रखना तो ये प्लांट बहुत अच्छे से बढ़ जाते हैं। अब बोलती हूँ इसका पॉट सिलेक्शन के बारे में।
तो पॉट सिलेक्शन बहुत ही ज़रूरी होते हैं। देखिए, मैंने ये जो प्लांट है इसको मैंने ये होल वाले पॉट में ही लगाई हो, बट मैं इसको प्लेस किया हो ये जो पॉट है, देखिए इस पे होल नहीं है। क्या होते हैं, जब आप वाटरिंग करोगे ना, तब अब वाटरिंग करने से इसका जो ड्रेन हो जाते हैं पानी, थोड़ी बहुत इसमें रह जाते हैं, तो पूरे दिन क्या होते हैं, ये जो पानी ड्रेन होके इसमें जम जाते हैं, ये पानी धीरे धीरे पूरे दिन ये ले लेते हैं, तो इससे ये प्लांट तरोताज़ा रहते हैं, ड्राई होने का चांस नहीं होते हैं। और जब भी आप इसको वाटरिंग करोगे, देखना ऐसे जब वाटरिंग करोगे, ये पानी ड्रेन होना चाहिए, देखिए ये पानी ड्रेन होना चाहिए। ड्रेन होके जब ऐसे वाले प्लेस, ये जो प्लेट है, प्लेट में जब ये पानी स्टोर होगा, उस टाइम में आप इस पानी को नहीं हटाना। ये जो पानी है, ये पानी को ही धीरे धीरे ये प्लांट पूरे दिन के लिए ये ले लेगा, और मॉइस्चर जो है ना, मॉइस्चर ये धीरे धीरे से इस पानी से मिल जाते हैं। बट मैंने इस प्लांट को ये जो जगह में मैंने इसको प्लेस किया हो, क्योंकि ये मॉइस्चर लविंग प्लांट होते हैं, इस पानी से ही धीरे धीरे पूरे दिन ये मॉइस्चर ले लेते हैं, तो मॉइस्चर का कोई दिक्कत नहीं होते हैं। और एक बात देखिए, ये प्लांट मैंने ये जो इसमें कटिंग लगाई हो, तो ये जो वाटर है, हफ्ते में एक बार आपको चेंज करना होगा, नहीं तो क्या होते ही ये प्लांट अच्छे से नहीं ग्रो होते हैं, कटिंग वगैरह ख़राब हो जाते हैं, रूट्स डेवलप अच्छे से नहीं होते हैं। तो ये रहा वाटर का ध्यान आप कैसे रखोगे। अब बोलती हूँ फर्टिलाइज़र के बारे में। ये प्लांट ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं मांगते हैं। आप महीने में एक बार इसमें एनपीके फर्टिलाइज़र, एनपीके 20-20-20 यूज़ कर सकते हो, बट लिक्विड फॉर्म में। और जो सीविड फर्टिलाइज़र है, वो तो बहुत ही बढ़िया होते हैं इस प्लांट के लिए, क्योंकि ये भी वीड है और सीविड फर्टिलाइज़र है, वो जो वीड से बनाए जाते हैं, तो ये सीविड फर्टिलाइज़र से बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। और समर के टाइम इसमें फ्लावरिंग भी होते हैं, देखिए बहुत सारे फ्लावर्स हैं मेरे प्लांट में। तो आप इसमें महीने में एक बार ग्रोइंग पीरियड में आप इसमें ये फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हो। अब बोलती हूँ प्रोपोगेशन के बारे में। ये बहुत ही ज़रूरी होती है इस प्लांट को, ये प्लांट के लिए, क्योंकि एक प्लांट से आप ज़्यादा हज़ारों प्लांट्स बनाना चाहते हो, तो प्रोपोगेशन मस्ट है। इस प्लांट का प्रोपोगेशन बहुत ही आसान होते हैं। देखिए, ये वाटर में भी ग्रो करते हैं, कटिंग आप लगा दो तो ये वाटर में देखिए बहुत सारे रूट्स ऐसे निकल आते हैं, देखिए। इसके बाद आप इसको सॉइल में कटिंग लेके आप सॉइल में भी ग्रो कर सकते हो, देखिए मैंने इसको मैंने ग्रो किया हो, बट जब भी आप कटिंग लगाओगे, ये पानी ऐसे भरा होना चाहिए, क्योंकि ये रूट्स जो है ना, रूट्स को ये रूट्स ड्राई हो जाए तो ये अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। जब भी आप सॉइल में इसको लगाओगे, एक दो दिन ऐसे आप पानी दे के रखना, देखना बहुत अच्छे से ये बढ़ जाते हैं, कुछ ही दिनों में देखना ये बहुत अच्छे से बढ़ जाते हैं। और आप इसका जो जब आप इसको वाटर में लगाओगे, देखना साइड साइड से बहुत ज़्यादा इसका ग्रोइंग बहुत अच्छे से बढ़ जाते हैं समर के टाइम। उस टाइम में थोड़ी सी इसको प्रूनिंग करके भी आप इसको सॉइल में भी लगा सकते हो, और नहीं तो आप किसी पॉट में भी लगा सकते हो इसको, तो इसे ये बहुत अच्छे से बढ़ जाते हैं। तो अब बोलती हूँ इन्फेस्टेशन के बारे में। इस प्लांट्स में इन्फेस्टेशन की प्रॉब्लम नहीं होते हैं, फिर भी आप महीने में एक बार इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर देना, और थोड़ी थोड़ी सी इसमें जो फंजीसाइड है ना, फंजीसाइड थोड़ी सी महीने में एक बार साइड साइड से डाल देना, तो फंगल इन्फेक्शन से ये छुटकारा पा सकते हैं। ग्रूमिंग भी बहुत ज़रूरी होते हैं। ये जो डेड लीव्स होते हैं, इसको आप अच्छे से इसको ऐसे हटा देना, इससे ये प्लांट बहुत अच्छे से बढ़ते हैं और इसमें कोई इन्फेस्टेशन की प्रॉब्लम नहीं होते हैं। तो ये एक्वेटिक प्लांट है, इससे आप बहुत सारे डिज़ाइन भी कर सकते हो। मैं भी एक एक्वेरियम का जार है, उसमें मैं इस प्लांट से ये डिज़ाइन करूँगी, तो वो वाली जो वीडियो है आपके साथ शेयर करूँगी। इसको आप अच्छे से एक्वेरियम
एक्वेरियम में लगा सकते हो, और फिश के साथ भी ये अच्छे से फ्रेंडली होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होते फिश को, तो आप इसको अच्छे से डिज़ाइन करके एक्वेरियम को सजा सकते हो। तो कैसा लगा ये वीडियो बताना ज़रूर, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।